गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका एक दमदार गेमप्ले के अंदर। सो गाइस आज हम खेल रहे माइनक्राफ्ट। सो गाइस जैसे कि आप जानते होंगे कि लास्ट वाले एपिसोड में हमारे साथ क्या क्या हुआ था गाइस। हमारा एडवेंचर तो एकदम सही जा रहा था गाइस, बट लास्ट मोड पे जैसे हम ग्रेवल बायोम में पहुंचे गाइस, वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत होना स्टार्ट हो गया गाइस। जैसे कि नाइट में मेरा हॉर्स जो है बिल्कुल किसी और को ही फॉलो कर रहा था, वो मुझे डैमेज दे रहा था, साथ साथ हमें डैमेज भी मिल रहा था, और सैम बोल रहा था कि उसको किसी के फुटस्टेप दिख रहे, पता नहीं अभी वो कौन था। हम तो उसको हीरोब्राइन मान के अभी चल रहे गाइस, और टोटली अनयूजुअल थिंग्स हुए थे गाइस हमारे साथ, जिसको मैं बिल्कुल ऐसे मतलब यकीन कर ही नहीं सकते गाइस। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, बट यार यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ हुआ है गाइस वो। और उसके बाद जो है सैम के साथ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, क्योंकि सब जो है अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग गए थे गाइस, और मैं भी अपनी जान बचाने के लिए इसके ओ में आके छुप चुका हूँ गाइस। पता नहीं अभी मैं कब तक यहाँ पे सेफ रह पाऊंगा, बट यार जब तक सेफ रह सकता हूँ वहाँ पे रह रहा हूँ गाइस। बट अभी मेरे को बाहर जाके मेरे चेतक को बचाना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि चेतक मेरा सबसे बढ़िया हॉर्स है गाइस, तो मैं उसको खो बिल्कुल नहीं सकता गाइस। इसलिए अभी फटाफट से गाइस बाहर चल के देख लेते कि बाहर का सीन क्या है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के 2 दिन बीत चुके हैं गाइस, और 2 दिनों से मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ गाइस, क्योंकि मैं जानता था यार बाहर निकलूंगा ना यार तो मुझे कोई बचा नहीं सकता है। वैसे भी मेरे साथ कोई भी नहीं है, अभी अकेला हूँ तो अकेले को सर्वाइव करना थोड़ा दिक्कत की बात है, जिससे गाइस जो कि घोस्ट हो स्पेशली गाइस, क्योंकि घोस्ट से हम कुछ कर नहीं सकते यार। हम तो स्पेशली यार नॉर्मली माइनक्राफ्ट के प्लेयर है, हम कैसे मारे उसको यार, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। बट मैं अपने चेतक को छोड़ भी नहीं सकता, ऐसे मैं उसको लेके ही जाने वाला हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगा ना मैं सीधा भागने वाला हूँ गाइस। और यहाँ पे देखो ये जॉम्बी क्या कर रहा है भाई, ये झिंगुर मेरे पीछे पड़ चुका है, रुको इसको अभी मैं मारता हूँ गाइस। वैसे हीरोब्राइन मेरे को नहीं मार सका और ये मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है यार, मतलब क्या ही बोलेगा जब इनको। ये देखो ये मकड़ी भी देखो यार, नाइट में सब मॉब मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ओ गाइस फाइनली आई गॉट इट गाइस, मैंने मेरे चेतक को ढूंढ लिया गाइस। ओ गाइस ये फिर से पागल हो गया क्या यार, ये यार क्या कर रहा है, ये जॉम्बी भी मेरे पीछे पड़ चुके हैं यार, ये दिक्कत है गाइस। रुको अभी मेरे को कुछ भी करके उसको पकड़ना है गाइस, क्योंकि अभी मैं इसको खो नहीं सकता बिल्कुल। बट यार ये जॉम्बी जो है मेरा पीछा तो छोड़ दे बस, यही कर रहा हूँ। ये देखो ये स्केलेटन इधर से मार रहा है, मतलब सब मिलके मेरी मार रहे हैं यार, मतलब क्या ही बोलेगा अभी। मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि डे करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट डे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ यार। रुक जा भाई यार, मैं गाइस मेरे को अभी रियली फ्रस्ट्रेट हो रहा है, अभी मैं सीधा भागने वाला अपनी केव के अंदर, डे करके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो है मैं बिल्कुल लड़ ही नहीं सकता यार, इतने सारे जॉम्बीज है। ओके गाइस तो अभी सत्या भाई का मुझे मैसेज दिख रहा है जो कि स्लीप का मैसेज आ चुका है, हाँ भाई सो रहा हूँ बट आप कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हो तो क्या ही करें यार, छोड़ो गाइस फटाफट से डे कर लिया है मैंने, अभी चलते गाइस। ये देखो माइंड कर रहे हैं, क्या बात करें यार सत्या भाई, मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ बट आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, शायद ये टेक्निकल एरर है या फिर ये कोई इफेक्ट है जो कि हमें मिला है गाइस। एक्चुअली तीनों के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हम तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे। और वो देखो मेरा हॉर्स क्या कर रहा है भाई, ये कहाँ पे लेके जा रहा है यार, ये देखो इसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है गाइस, पता नहीं ये घोस्ट का इफेक्ट है या फिर पर्टिकुलर मेरे हॉर्स की इतनी स्पीड थी। रुक जा भाई रुक जा, अभी रुक जा, इसको मैं लैश कर देता हूँ। यार यार मत मार भाई यार, अपने मालिक को मार रहा यार, थोड़ी तो शर्म कर यार, मैंने तेरे को इतना खतरनाक सैडल दिया, इतना आर्मर दिया यार, इतना महंगा। ओके ये पानी में गिर चुका है गाइस, और पानी में शायद ये तैर नहीं सकता, मतलब इसके ऊपर कोई राइड नहीं कर सकता पानी के अंदर। ओके वो नीचे उतर चुका है गाइस, अब इसको मैं लैश कर देता हूँ। आ जाओ इधर आ जाओ भाई हॉर्स यार, अभी मैं तेरे पर बैठने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी को तेरे को लेने नहीं दे सकता यार, रुक जा। ओके गाइस तो फाइनली यार मैंने मेरे हॉर्स को पकड़ लिया गाइस, इतनी खुशी यार मेरे को कभी नहीं हुई यार जितनी अब हो रही है गाइस। अभी मैं फटाफट से यहाँ से भागने वाला हूँ, बट मेरे को सैम को भी ढूंढना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपा होगा गाइस यार, क्योंकि यार कुछ कर नहीं सकते यार। बंद करो अपनी बकवास सत्या भाई, तुम कुछ जो करना है करो, मुझे सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। ओ भाई ये फिर से डैमेज कौन दे रहा है यार मेरे को, हॉर्स से उतार दिया कौन है, रुको गाइस मैं इसका सैडल ही उतार देता हूँ। रुक भाई सैडल उतारने दे, रुक जा यार, इस सैडल उतारने का टाइम ही नहीं दे रहा है यार, इसके ऊपर फिर से घोस्ट ने पजेस कर लिया शायद, अभी मेरे को ये मारेगा शायद। ओके ये कौन सी स्पीड है भाई, ये कौन सा मैजिक यूज कर रहा है यार, कितनी फास्टली वो भाग गया है वहाँ से, वो नेदर पोर्टल के साइड क्यों जा रहा है। ओ गाइज वो मरना चाहे यार। ओके गाइज तो ये नेदर पोर्टल के अंदर चला गया यार, यार गाइज इसने एक बढ़िया प्लेस चूज कर लिया गाइज, क्योंकि नेदर पोर्टल के अंदर मैं जाके उसको बचा सकता हूँ या नहीं पता नहीं, क्योंकि नेदर पोर्टल के अंदर हर कोई मेरी जान का भूखा होगा गाइज। ओके गाइज तो मैं हिम्मत करके यहाँ पे आ चुका हूँ गाइज, क्योंकि मैं अपने हॉर्स को खो भी नहीं सकता हूँ। ये देखो ये मेरा हॉर्स यार, जॉम्बीफाइड पिगलिन को क्यों मार रहा है भाई, वो अगर तेरे पे अटैक करेगा तो तू मर जाएगा भाई। रुक जा भाई, इसका सैडल मेरे को उतारना है गाइज, बट ये मेरे को चांस ही नहीं दे रहा यार। रुक जा भाई, ये देखो इसकी जंप तो देखो भाई, ये कौन सा क्या खिला रहा है भाई ये घोस्ट तेरे को। और ये देखो ये घोस्ट जो है बाकी के जॉम्बीज या बाकी के एनिमल जो है मेरे पीछे लगा देता गाइज, ये देखो बाकी के मॉब्स मेरे सब पीछे आ रहे हैं, बट ये जानता नहीं यार ये किसके साथ पंगे ले रहा है। ये मस्करे ना अपने अम्मा के साथ करना, मेरे साथ करने की कोशिश की ना मैं आपको नानी याद दिला दूंगा। हीरोब्राइन निकलो यहाँ से, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। रुको उनके पहले झिंगोरों को मैं खत्म कर देता हूँ,
ये यार घास भी मेरे पीछे पड़ चुका है यार, अच्छा मैं बच गया। ओ भाई साहब ये मेरा लावा में चला गया गाइस हॉर्स, गॉड डैम इट यार शिट, अभी क्या ही बोले गाइस, मेरा हॉर्स मर गया मेरे आंखों के सामने यार, अभी कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। रुको जा अभी मैं गाइस मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, अभी सभी मरने वाले हैं। कि ज़ॉम्बी बाइट पिगलिन क्या चीज़ है, अभी मैं सभी को मारने वाला हूँ, क्योंकि यही सब चेले है, मतलब ये हीरोब्राइन की चेले है गाइस। झिंगुर लोग तुम बचने नहीं वाले, रुक जाओ सब मिलके मारो गाइस, मारो मुझे अभी, क्या ही बोले। वैसे गाइस ये पागलपंती मैंने क्यों की पता नहीं, क्योंकि मैं हीरोब्राइन को मार नहीं सकता तो किसके ऊपर गुस्सा करूं यार मैं, मेरे को कुछ भी करके यार मेरे को गुस्सा निकालना है किसके ऊपर तो भी। अरे हीरोब्राइन तेरे में दम है तो सामने आ भाई, तू छुप के क्यों मार रहा है मुझे गाइस, मेरे को अभी इतना गुस्सा आ रहा है ना गाइस, बट गाइस गुस्सा आके भी मैं क्या ही कर लूंगा यार, हीरोब्राइन को मार ही नहीं सकता हूं तो यार कैसे करेगा इस, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरे को गुस्सा इस चीज का रहा है कि हीरोब्राइन ने यार एक मासूम से हॉर्स को मारा यार, वो बिल्कुल मासूम था गाइस, ये बिल्कुल रॉन्ग है, मैं उससे रिवेंज तो लेने ही वाला हूँ गाइस, बट सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं उसको मार ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे उसी का राज है, तो उसके राज में उसको मारना पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, फिर हम उससे बदला जरूर लेंगे, बट अभी चलते गाइस अपने बेस की तरफ। फाइनली गाइस मैं उस प्लेस से थोड़ा दूर आ चुका हूँ गाइस, उस प्लेस पे गाइस कुछ ज़्यादा ही खतरा हो रहा था गाइस यार, मैं वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तब भी गाइस जो ज़ॉम्बीज़ है ना उनको सनरेज में डैमेज नहीं मिल रहा था, कैन यू बिलीव इट गाइस, मतलब ये हो क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस, बट अभी मैं वहाँ से थोड़ा दूर आ चुका हूँ, अभी मेरा सत्या भाई के साथ भी कॉन्टैक्ट हो चुका है गाइस, और उन्होंने कहा कि उनको एक खतरनाक वाली चीज़ मिल चुकी है, पता नहीं अभी क्या चीज़ मिली है, जस्ट वो उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी देखते हैं उनको क्या क्या मिला है, वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चलेगा। तो अभी गाइस फटाफट से चलते हैं अपने बेस की तरफ, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और सैम को हम बाद में ढूंढ लेंगे, सबसे पहले खुद की जान बचाएंगे, तो चल लेते हैं अपने बेस की तरफ। क्लिक करके हम अंदर की तरफ चलते, जैसे मैंने पानी को टच किया ना उससे मुझे पॉइजन का इफेक्ट मिलने लगा, और पॉइजन का इफेक्ट इतनी तेजी से मिल रहा था ना गाइस, उसी टाइम में पानी के अंदर चला गया और मेरी पॉइजन की वजह से डेथ हो गई। वेट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे क्या लिख गया है, सत्या सुपारी स्लेन बाय गार्ड, हमें गार्ड ने तो नहीं मारा, जो पॉइजन वाला जो वाटर था उसकी वजह से हम मर गए थे ना गाइस। कोई बात नहीं गाइस, अंदर की तरफ जाते हैं और पहला जो सामान है बिक्रा बिक्र उसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे स्क्वाड है वो फुल एंचेंटेड और 10 डायमंड है, मैं उसे खोना नहीं चाहता यार। मैं गलती से फिर बार एक बार पानी के अंदर चला गया, और एक गार्ड कोई और नहीं गाइस, ये पपर फिश है और वो भी इनविजिबल पपर फिश यार, कोई भी मॉब इनविजिबल होता है ना तो उनसे बबल इफेक्ट निकलना चाहिए, यहाँ पे कोई बबल इफेक्ट दिखी नहीं रहा गाइस यार। यहाँ पे कोई थर्ड एंटिटी जो इन पे ब्लैक मैजिक कर रही है, और ये जो गार्ड से नहीं इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यार, मैंने गलती से प्रेशर प्लेट पे ध्यान ही नहीं दिया, और यहाँ पे उस पर पावर रखने की वजह से मेरे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी गाइस। मैं इस फूड को नहीं कहीं स्क्वाड की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। ओके गाइस हमारे पास स्क्वाड आ चुके, मैं इस स्क्वाड को एक बार देख लेता हूँ। गाइज हमारे पास अंचर सोल ऑफ हीरोब्राइन की स्क्वाड आ चुकी है, मैं यहाँ से एग्जिट करने का रास्ता ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि जहाँ से हम आए ना गाइज वहाँ से हम जा नहीं सकते, क्योंकि ये जगह अनब्रेकेबल है, हम यहाँ पे मैं ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। ओके गाइज यहाँ पे एक गेट है और सामने एक ट्रैप डोर है, इस ट्रैप डोर से हमें नीचे जाना होगा। ओके फाइनली ट्रैप डोर ओपन हो चुका है, जैसे मैं नीचे डिग कर रहा था मुझे एक बार फिर से पॉइजन इफेक्ट मिलने लगा है, और यहाँ पे विच थी शायद वो भी गार्ड का काम कर रही थी, वहाँ पे और विच है, मैं इनसे पंगे ना लूँगा, मैं सीधा आगे जाने की कोशिश कर रहा था, मुझे फिर से डैमेज मिलते जा रहा था। सीधे इसे करके हम उस गार्ड से पंगे ना लेते हुए बाहर आ चुके हैं, और चलो हम जल्दी से जल्दी हमारे बेस के लिए निकल चलते हैं, और आकाश के साथ ये पूरा डिस्कशन करेंगे, और हमारे पास जो चीज़ है ना उसके बारे में उसे बताएंगे। फाइनली हम इस खंडर से बाहर आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी हमारे बेस के लिए निकल चलते हैं, और आकाश और सैम के साथ जो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुई है ना वो उनके साथ डिस्कस करते हैं, मिलते हैं सीधा बेस पे। सो ऑल राइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका गाइस अपने घर के तरफ, और ये कौन सा घर है भाई, ये कुछ अलग ही लग रहा है गाइस मुझे यार, मतलब ऐसा फील ही नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ गाइस, लगभग यार मेरे को 10 से 12 दिन हो चुके, बट ये कुछ अलग ही लग रहा है। ये देखो ये कैसे से पेड़ उगा के रखे यार, मतलब इसके ऊपर लीव्स ही नहीं है, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है गाइस मुझे। और ये किसने डैमेज दिया मुझे भाई, ये ड्राउनट है क्या मेरे पीछे, ओ भाई साहब रुको, सबसे पहले इनको ख़त्म कर दो, अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, हीरोब्राइन से बदला लेना है, उसके लिए मुझे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बट सबसे पहले इन चिरकुटों को उड़ाते हैं। ए झिंगुर इधर आ भी तू। ओके गाइस तो मैंने सबको तो मार दिया है, बट मुझे यहाँ पे कुछ सही फील नहीं लग रहा है गाइस, मतलब यार कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, बट लेट्स सी गाइस जब सत्या भाई आते हैं ना तब उनके साथ बात करके देख लेते कि ये हो क्या रहा है। और ये पेड़ जिसने भी काटे ना उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा कौन काटता है भाई डरावना सा। और ये कौन है यार, ये कौन है गाइस, गाइस ये मेरे आंखों का वहम तो नहीं, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट के अंदर मैं 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ, ये देखो गायब हो गया। गाइस नाउ आई एम रियली कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है गाइस, अभी मेरे को सबसे पहले मैं घर के अंदर जाना है, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई सेफ जगह ही नहीं है, सबसे पहले घर के अंदर जाऊंगा और एक प्यारी सी नींद लूंगा गाइस, क्योंकि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि मुझे आगे क्या करना है।